सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने लगे थे हम। हमने पढ़ा कि सेल का जो डिस्कवरी कैसे हुआ, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, व्हाट वर द कंट्रीब्यूशंस बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें करी, ये बातें हमने याद रखनी है। सबसे पहले हमने कहा कि इन 1665 रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल्स देखी, मतलब डेड सेल्स थी वो, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर सेल। उन्होंने इसको सेल बोला क्योंकि उनको किसी इम्प्राइजनमेंट के रूम्स जैसी दिखाई दे रही थी, जो कि क्यूबिकल्स होते हैं उनके जैसी दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने उसका नाम सेल रख दिया। फिर उसके बाद इन 1674 ए वी ल्यूवेनहॉक ने, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने देखा कि किस तरह से एक लिविंग सेल भी होती है, तो उन्होंने बताया कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी सेल से मिलकर के बने हुए हैं। लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले बताने वाले ल्यूवेनहॉक थे। फिर काफ़ी बाद, इसके करीबन 150 साल बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया कि सेल के अंदर, ज़्यादातर सेल्स में उन्होंने देखा कि एक सेंट्रल ऑर्गेनल होता है जिसको न्यूक्लियस उन्होंने बोला। फिर इन 1839 प्रोटोप्लाज्म के बारे में परकिन्ये ने बताया कि प्रोटोप्लाज्म मतलब टोटल लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो भी, और सेल के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है वो भी। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म बनता है, जो परकिन्ये ने, जिसके बारे में 1839 में बताया। फिर दो साइंटिस्ट थे, मैथियास श्लीडन 1838 में और थियोडोर श्वान इन 1839। दोनों ने एक जैसी बात करी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं, तो उनकी थ्योरी जो थी वो सेल थ्योरी की फॉर्म में सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर इस सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया 1855 में एक और साइंटिस्ट, जिनका नाम था रूडोल्फ वर्शो। उन्होंने इसको एक्सपेंड किया बाय सेइंग दैट ओमनिस सेलुलाय सेलुला, मतलब अ सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल का स्पॉन्टेनियस, उसके पहले लोग सोचते थे कि ये स्पॉन्टेनियसली कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, अपने आप बन जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने स्पॉन्टेनियस ओरिजिन थ्योरी ऑफ द सेल को डिस्कार्ड किया और उन्होंने कहा कि सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। एक सेल डिवाइड होती है, सेल डिविज़न होता है, उसमें डिवाइड होकर के फिर दो सेल बनती है, दो से चार बनती है, चार से आठ बनती है, और इस तरह से आगे चलता रहता है। तो मल्टीपल सेल डिवीज़न होता रहता है और सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। तो इतना हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। हमने कल माइक्रोस्कोप भी देखा, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या काम आते हैं वो भी हमने देखे, उनके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन, उसके एडजस्टमेंट्स। कभी कभी हमसे ये बातें भी पूछ ली जाती हैं। तो हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, सेल के जो डिस्कवरी है उसकी हिस्ट्री और डिफरेंट साइंटिस्ट, उनका नाम और ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन कई स्कूल्स पूछ लेते हैं। फिर हम बात करने लग गए थे कि अगर हम सेल्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स के कई तरह तरह के शेप्स होते हैं, उनके कई तरह तरह के उनके साइजेस भी हो सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि ऑस्ट्रिच का एग जो है, दैट इज़ द बिगेस्ट सेल। जो सबसे छोटा सेल होता है उसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म्स, PPLO। तो एक तरह से मतलब जो ये बैक्टीरिया टाइप के जो होते हैं, बहुत छोटे सेल्स, सबसे छोटे सेल्स जो हैं वो PPLO हैं, या माइकोप्लाज्मा लेडलेवी एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोकैरियोट है। तो इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। कई तरह की सेल्स हो सकती हैं, हमारी बॉडी भी सेल्स से मिलकर के बनी हुई है। हमारी बॉडी को बनाने वाली सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। हाँ, अगर हम देखें टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ न्यूक्लियस देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। द वन इज प्रोकैरियोटिक,
द अदर इज यू कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यू कैरियोटिक सेल्स आर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड देम। क्या मतलब हुआ, देखो पहले आप 8th क्लास में क्योंकि सेल पढ़ चुके हो तो मैं आपको डायरेक्ट ये बात कर रहा हूँ कि ये एक सेल है, मानो उसमें न्यूक्लियस सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनल है, चारों तरफ उसके साइटोप्लाज्म है, दूसरे ऑर्गेनल्स भी होंगे, हम केवल न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर मटीरियल है। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जो मटीरियल भरा हुआ रहता है हाँ, उसको न्यूक्लियर मटेरियल भी कहते हैं, उसको क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं, और बेसिकली वो डीएनए है विच इज़ केपेबल ऑफ रेप्लिकेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीज़न, अल्टीमेटली वो सेल डिवीज़न का काम करता है। तो रिप्रोडक्शन का जो बेस है वो इसके अंदर होता है। तो जो न्यूक्लियर मटीरियल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, आपने 8th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हों बाय द एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके लिए जो ज़रूरी मटीरियल है वो डीएनए है विच इज़ कन्फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियर मटीरियल, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये होती नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो तो होता है, बट दैट इज नॉट कन्फाइंड इनसाइड अ मेम्ब्रेन। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो न्यूक्लियर मटेरियल या जो उसका डीएनए है या जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ मिलेगा। हम उसको न्यूक्लियस बोलते ही नहीं हैं, हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हाँ, मैंने आपको कल कहा था कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, 1 वर्ड के या 1 लाइन के क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस सेल में होते हैं। तो हम जब इस चैप्टर को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत केयरलेसली पढ़ते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि हमारे मार्क्स कट जाते हैं, हमको कोई पर्टिकुलर वर्ड जो एग्ज़ाम में पूछ लिया गया आता नहीं, क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया। तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है हाँ, कि न्यूक्लियर मटेरियल इनसाइड अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हाँ, बाकी सब सेल्स में है न्यूक्लियस, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर कन्फाइंड हो, वो मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें, तो न्यूक्लियोइड होता है। तो हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, एक वर्ड आया प्रो, प्रो मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब जो कि कोई बहुत शुरू शुरू का कोई काम शुरू हुआ हो तो उसमें बहुत शुरू शुरू की चीज़ हो, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड ना हो, बहुत लेस डेवलप्ड टाइप की चीज़, जो बहुत ज़्यादा शुरुआती हो, बहुत पुरानी हो, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। हाँ, जैसे कि कोई भी कोई बिल्डिंग बनना शुरू होती है तो उसका इनिशियल स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप उसका प्रिमिटिव डिज़ाइन बोल सकते हो, बाद में आपने उसमें खूब सारी इम्प्रूवमेंट कर दी तो वो फिर उसका फ्रेश या न्यू लुक हो जाएगा। हाँ, तो प्रिमिटिव, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक एक वर्ड है कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस को बोलते हैं कैरियन, और प्रिमिटिव के लिए वर्ड आ गया प्रो, तो प्रो कैरियोटिक का मतलब समझ में आ गया आपको, प्रिमिटिव हो न्यूक्लियस जिसका, प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला, लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर मटीरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा है, एक बात। दूसरा,
अदर मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो नॉट देयर. मतलब हम जो ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, ऑर्गन वर्ड यूज़ नहीं करते यहाँ पे, ऑर्गेनल वर्ड यूज़ करते हैं, ध्यान रखें इस बात को. ऑर्गेनल वर्ड यूज़ होगा. ऑर्गेनल मतलब पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के अंदर मिलने वाले पार्ट्स. हाँ, ऑर्गन क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ऑर्गन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. ऑर्गन नहीं बोल रहे, ऑर्गेनल बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. हमारा जो स्ट्रक्चर देखें अपन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो सेल होता है. कई सारी सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन करने वाली होती है, सिमिलर शेप या साइज़ वाली होती हैं, वो आपस में कंबाइंड होकर के टिश्यू बनाती हैं. हाँ, हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी का या किसी भी एनिमल की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कि सेल मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, एक जैसा काम करने वाले टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं. हाँ, और एक जैसा काम करने वाले ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो इसका मतलब सेल सबसे छोटा यूनिट है, उस टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे. तो ऑर्गन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो किसी सेल के अंदर आ नहीं सकता. अगर हम बोले सेल में ऑर्गन है, तो ये बात तो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगी. तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑर्गन नहीं, ऑर्गेनल. तो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनल्स यानी मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स नहीं होते. माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, प्लास्टिड्स नहीं होंगे, गॉल्गी अपरेटस नहीं होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होंगे. आप बोलोगे सर ये क्या बोले जा रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में पढ़ा दूंगा. लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एक राइबोसोम इसके अंदर होता है. हाँ, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड अ सेल. तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, सिर्फ वो होता है इसके अंदर, बाकी ऑर्गेनल्स इसमें नहीं होते. तो राइबोसोम्स इसमें होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या खास बातें हैं, पहली चीज़ तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता. यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट है. दूसरी बात यह कि इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के बारे में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे. तो सिंगल क्रोमोसोम होता है. फिर मेम्ब्रेनेटेड ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट. मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स उनमें नहीं होते हैं, है ना. प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. राइबोसोम्स होते हैं बस, लेकिन राइबोसोम का टाइप अलग होता है. राइबोसोम्स ऑफ 70S टाइप, ये राइबोसोम्स का टाइप है जो आपकी बुक के आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या हुआ, यू का मतलब होता है न्यू, मॉडर्न, कैरियन वाला. जिसका कैरियन या जिसका न्यूक्लियस मॉडर्न हो, नए टाइप का हो, डेवलप्ड हो, उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. इट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऑल द न्यूक्लियर मटेरियल इज कन्फाइंड इनसाइड अ न्यूक्लियर एनवलप, हाँ, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो हम कहते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है. देयर कैन बी मल्टीपल क्रोमोसोम्स,
depends upon a particular living organism, particular species. Membranated organelles are also present, and ribosomes are of 80S type. This is the type of ribosome. ये आपको differences ध्यान रखने हैं. आपकी बुक में ये थोड़ा सा पीछे है, मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि टाइप ऑफ सेल्स जो है वो थोड़ा सा हमारा बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए. आपको ये चीज़ एंड ऑफ द चैप्टर बताई गई है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल की साइज का एक और पॉइंट है कि वो बहुत छोटा होता है, जनरली वेरी स्मॉल, 1 to 10 माइक्रोमीटर. प्रोकैरियोटिक सेल 1 to 10 एक माइक्रो का साइन है ना, मीटर. ये जो साइन दिख रहा है यहाँ पे आपको, दिस इज नोन एज माइक्रो. ठीक है, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है. जैसे मिली होता है, मिली इज 10^-3, दैट इज 1/1000. हाँ, ऐसे ही माइक्रो इज 10^-6, दैट इज 1/10 मिलियन, मतलब 1 के आगे 60. फिर एक होता है नैनो, 10^ इससे भी छोटा है नैनो, 10^-9, 10^-9, यानी 1/1 के आगे ऐसे 90. और उससे भी छोटा होता है पीको, 10^-12, 1/1 के आगे 12 0. हाँ, तो ये 3 का टेबल है. देखो 10^-3, 10^-6, -9, -12, 3, 6, 9, 12. तो ये माइक्रोमीटर आपको, देखो ये 1 माइक्रोमीटर, अच्छा लिखा भी है यहाँ पे 10^-6 मीटर है ना. तो जो सेल तो बहुत छोटी होती है ना, तो इसलिए सेल को इस तरह से छोटी यूनिट में हम देखते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, ये उसका साइज है. यूकैरियोटिक सेल का साइज भी किसी किसी प्रोकैरियोटिक सेल के बराबर हो सकता है. इसका साइज भी 5 माइक्रोमीटर से शुरू हो जाता है, बट इट कैन बी एज लार्ज एज 100 माइक्रोमीटर. फिर न्यूक्लियर रीजन, इसके न्यूक्लियर रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी. न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. टाइप ऑफ राइबोसोम 70S और 80S वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. तो अब क्या कि हम एक सेल के बारे में बात करते हैं. एक सेल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, एक यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को देखें, तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हमको कैसी दिखाई देगी, हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे. हाँ, तो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, वो एनिमल सेल भी हो सकती है, वो प्लांट सेल भी हो सकती है. हाँ, एनिमल सेल या प्लांट सेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, हम बाद में उनके बारे में भी बात करेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है. लेकिन हैं तो वो सब यूकैरियोटिक सेल्स, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, हैं सारी यूकैरियोटिक सेल. कोई एनिमल सेल या प्लांट सेल कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल नहीं हो सकती, ध्यान रखें. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो केवल बैक्टीरिया होते हैं, उसके अलावा ना तो फंगस, ना तो प्लांट्स, ना तो एनिमल्स या अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे प्रोटिस्टा में आते हैं, जिनको हम एक यूनिसेल्युलर सेल्स बोलते हैं, अमीबा जैसे, है ना, वो प्रोटोजोआ हैं. तो प्रोटोजोआ आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा जब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ रहे थे 8th क्लास में. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में आपने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बहुत सारी चीज़ें जो कि डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं कई बार, उनके बारे में भी पढ़ा. तो आप इसमें देखोगे कि केवल बैक्टीरिया को निकाल दो,
वायरस तो एक लिंक बिटवीन डेड एंड अलाइव बोलते हैं हम, लेकिन जो बैक्टीरिया है उसको निकाल दो, वो केवल प्रोकैरियोटिक है। बाकी ये सारे के सारे, चाहे फंगस हो चाहे प्रोटोजोआ हो, ये सब के सब, या वॉर्म्स हो, ये सब के सब यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। तो ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल वाले ही होते हैं। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल वाले बैक्टीरिया होते हैं केवल, उनको हम बाद में अलग चैप्टर में उनके ऊपर बात करेंगे। तो जो यूकैरियोटिक, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है, उसमें अगर हम एक एनिमल सेल को ले लें तो केवल एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर उसको, उसमें हम किसी प्लांट सेल को भी ले लें तो प्लांट सेल में बाहर एक सेल वॉल भी होती है। हाँ, सेल वॉल प्लांट सेल में केवल, है ना, ओनली इन प्लांट सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो तो हर सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यानी वी कैन से दैट इन एनिमल सेल्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन और आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द सेल। ठीक, बाकी सब उसके अंदर भरा हुआ रहेगा। तो हम इसमें से अगर ये सेल वॉल हटा दें तो ये एनिमल सेल हो जाएगी। तो जो एनिमल सेल हो जाए होगी उसमें क्या होगा, उसमें एक सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस होगा। उस न्यूक्लियस में क्या होगा, उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होगा। क्रोमेटिन मटेरियल हमने बताया, डीएनए जो कि रेप्लिकेशन करके अपने जैसे और डीएनए बना सकता है और इस वजह से सेल डिवीज़न करवा पाता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो बेस सब्सटेंस होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है। उसके अलावा इसमें और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम सेल वॉल की बात करेंगे और फिर न्यूक्लियस की बात करेंगे, उसके बाद सारे ऑर्गेनल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते जाएंगे। तो पहले एनिमल सेल से शुरू करते हैं, एनिमल सेल के पार्ट्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो चीज़ें एडिशनल प्लांट सेल में होती हैं बाद में उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है। दिस इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। हाँ, इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल को एक डेफिनेट शेप देगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, या ट्रांसपोर्टेशन के बजाय हम वर्ड यूज करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, है ना, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सेल्स की जो सराउंडिंग्स हैं उन सराउंडिंग्स से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, लेना देना चीज़ों का, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, हाँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, अब मेम्ब्रेन है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे करेगी, मेम्ब्रेन तो एक लेयर होती है। तो ये खास तरह की मेम्ब्रेन है, खास तरह की लेयर है। कैसी है, दिस इज सेमी परमीएबल इन नेचर, सेमी परमीएबल और सेलेक्टिवली परमीएबल। सेमी परमीएबल और सेलेक्टिवली परमीएबल।
परमीएबल मतलब जिसके आर पार जाया जा सके। हाँ, इस मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स आर देयर, छोटे छोटे होल्स हैं, ऐसा समझ लें आप। उनमें से कुछ चीज़ें अपने साइज के हिसाब से जा सकती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेल के अंदर आ सकती हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन कुछ चीज़ें जो अंदर हैं वो अंदर ही रहेंगी, कभी बाहर नहीं जा पाएंगी क्योंकि उनका साइज़ इतना बड़ा है कि वो कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। तो दिस इज़ अ सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन विच सेलेक्टिवली अलाउज सम ऑफ द सब्सटेंसेस टू एंटर इनटू द सेल और लीव द सेल एंड डज नॉट अलाउ द अदर सब्सटेंसेस टू कम अक्रॉस इट। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी परमीएबल या सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। अब इसके सेलेक्टिवली परमीएबल होने से क्या होता है कि वाटर तो इसमें आर पार जाते रहता है, बाहर से अंदर भी आ जाएगा, अंदर से बाहर भी चला जाएगा, और वाटर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ सेल, क्योंकि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जो एक सेमी लिक्विड जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा विस्कस लिक्विड, गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड जो है मटेरियल, उसमें मैक्सिमम पार्ट वाटर है, तो उसमें होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। वाटर आएगा कहाँ से? वाटर बाहर से आएगा, लेकिन वाटर को अंदर लेने की भी एक लिमिट है, वाटर बाहर भी जा सकता है। तो वाटर का आना जाना, एक्सचेंज ऑफ वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द सेल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। सेल को काम की चीज़ें वाटर के साथ में डिजॉल्व फॉर्म में आ जाती हैं कई बार, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हो सकते हैं जो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में सेल के अंदर एंटर करेंगे, या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि वेस्ट मटेरियल हैं जो कि वाटर सेल से बाहर निकलने हैं, वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो ये वाटर का आना जाना, एक्सचेंज ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन बाय अ न्यू टर्म जो आपने अब तक नहीं पढ़ा, वी कॉल इट ऑस्मोसिस। अब टू प्रीवियस क्लास हम ऑस्मोसिस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, एट्थ क्लास में हम सेल के बारे में तो बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत हमने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन सब के बारे में बात की थी, ये सब आप पहले से जानते हो, सेमी परमेबल टर्म्स आप में भी पहले से जानते हो। ऑस्मोसिस एक नई बात है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर्स हाई कंसनट्रेशन टू वाटर्स लो कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझो, ये एक मेम्ब्रेन है और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी इसमें बीच बीच में रास्ता है, इसमें से चीज़ें जा सकती हैं। एक तरफ वाटर हाई कंसंट्रेशन में है, यानी ज़्यादा वाटर है, ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज़ नॉट द क्वांटिटी, कंसंट्रेशन इज़ द परसेंटेज, वाटर का परसेंटेज इधर ज़्यादा है और इधर कम है। तो देयर इज अ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसको हम बोलते हैं वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिकॉज ऑफ दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम वाटर्स हाई कंसंट्रेशन टू वाटर्स लो कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर्स हाई कंसंट्रेशन टू वाटर्स लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट तो डिफ्यूजन भी होता है, लेकिन यहां पर हम जो ऑस्मोसिस वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज वर्केबल ओनली फॉर वाटर। वाटर के अलावा किसी और के लिए ऑस्मोसिस वर्ड यूज नहीं किया जाता। हवा चल रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एयर का मूवमेंट है, दैट इज नॉट ऑस्मोसिस, क्योंकि वो वाटर भी नहीं है और वो थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं जा रही है। वाटर खुद जाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन अगर बीच में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो दैट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर।
नॉट ऑस्मोसिस। तो आपको बात समझ में आ गई कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर्स हायर कंसेंट्रेशन टू वाटर्स लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल की मेम्ब्रेन क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें इस तरह से जगह है चीज़ों के आने जाने की, खास करके वाटर के आने जाने के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, व्हाट टाइप ऑफ ऑस्मोसिस विल बी सीन। क्या मतलब हुआ? अगर इनसाइड द वाटर वाटर कंसेंट्रेशन इज लेस, बाहर वाटर कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बाहर वाटर कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल। दिस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस, एंडो, दो वर्ड्स को यूज किया, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। एंडोस्मोसिस व्हेन वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल फ्रॉम वाटर्स हायर कंसेंट्रेशन टू वाटर्स लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन। अगर किसी सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख लिया जाए कि बाहर वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो, प्लीज डोंट कन्फ्यूज बाय द वर्ड कंसेंट्रेशन, इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ वाटर, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर। हाँ, मैं आपको एक ये बात समझा देता हूँ क्योंकि कई लोग इससे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कई बार उनको लगने लगता है कि सेल तो जब इतनी छोटी है, माइक्रोस्कोपिक है, तो सेल के अंदर किसी बीकर से ज़्यादा पानी कैसे आ सकता है, तो हमने सेल को बीकर में डाल दिया तो एक्सोस्मोसिस कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, समझो ये एक सेल है, ठीक, ये एक बीकर है। सेल के अंदर हम कहते हैं कि बहुत थोड़ा सा पानी है, 1 मिलीलीटर वाटर है। हाँ, इसके अंदर 1000 मिलीलीटर वाटर है, ठीक है। तो इसमें 1 मिलीलीटर वाटर है और इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं है, या चलो हम ये मान लेते हैं कि इस 1 मिलीलीटर का जो मिक्सचर है उसमें से 10% सॉल्ट है। हाँ, 10% मिनरल्स है, तो वाटर कितना है? 90%। 90% ऑफ द टोटल मटीरियल इनसाइड द सेल वाटर है, तो वाटर का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज 90%। ये 1000 ml वाटर है, इस 1000 ml वाटर में से 950 मिलीलीटर सॉल्ट भर दिया आपने, तो वाटर कितना रह गया 1000 ml में से? 50 ml ओनली। ये 50 ml इस 1 ml से 50 टाइम्स ज़्यादा है। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो दिस इज स्टिल 50 टाइम्स मोर देन 1 ml ऑफ वाटर विच कैन प्रोबेबली बी इनसाइड अ सेल। हम केवल अंदाजे के लिए एक नंबर यूज़ कर रहे हैं, 1 ml भी बहुत ज़्यादा होता है किसी सेल के लिए, लेकिन आप बात समझो कि अगर इसमें 50 ml वाटर है तो 50 ml इस 1000 ml का केवल 5% है ना। तो यहाँ पे वाटर परसेंटेज 5% है और यहाँ पे सेल में 90% है। तो जब हम इस सेल को इस बीकर में रखेंगे विच इज़ फिल्ड विद वाटर, तो इस सेल में से वाटर बाहर निकलने लग जाएगा, क्योंकि वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल। दिस टाइप ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस यानी
वाटर का बाहर निकलना, एक्सो वर्ड जो है वो एग्जिट से आया है, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो ऑस्मोसिस के दौरान वाटर का सेल से बाहर निकलना इज नोन एज एक्सोस्मोसिस। अब अगर किसी सेल में वाटर अंदर आना शुरू हो जाए यानी एंडोस्मोसिस होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, वो सेल जो होगी वो स्वेल हो जाएगी। हाँ, सेल जो होती है वो एकदम स्वेल हो जाती है, बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, हम उसको कहते हैं कि ये जो है, ये सेल जो है, दिस इज टर्जिड, ऐसी सेल को जिसमें पानी भर गया हो अच्छे से उसको हम बोलते हैं टर्जिड। इसके उल्टे जब एक्सोस्मोसिस हो रहा हो तो द सेल विल श्रिंक, है ना, श्रिंक कर जाएगी, हम बोलते हैं इसको फ्लैसिड। हाँ, टर्जिड, फ्लैसिड, स्वेल, श्रिंक, जनरली आपके स्कूल्स में इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाएंगे, सिंपल वर्ड्स आप यूज करें, कहीं पे टर्जिड और फ्लैसिड वर्ड भी यूज होता हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हाँ, तो अगर किसी सेल को हम किसी ऐसे कंटेनर में रख दें जिसमें बहुत सारा मिनरल है, बहुत सारा सॉल्ट डाला हुआ है आपने, समझो आपने नमक डाल दिया, समझो आपने बहुत सारी शुगर डाल दी, उसको हाईली कंसंट्रेटेड विद शुगर कर दिया या हाईली कंसंट्रेटेड विद वाटर विद सॉल्ट कर दिया, तो वाटर कंसंट्रेशन ऐसे हाईली कंसंट्रेटेड विद सॉल्ट या शुगर वाले सॉल्यूशंस में वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जैसा अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा। तो इसमें जब किसी सेल को डाला जाता है, हाँ, जब आप इसमें किसी सेल को डाल दोगे तो इस सेल के अंदर का जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा, यानी एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। इस टाइप के मटेरियल, इस टाइप के मीडियम को, हाँ, दिस इज अ मीडियम अराउंड द सेल, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर विथ कंपैरिजन ऑफ सेल, हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें मिनरल्स की कंसर्ट, मिनरल्स या आप सॉल्ट भी बोल सकते हो, आप शुगर भी बोल सकते हो, कोई भी मटेरियल जो वाटर में डिजॉल्व होता है ना, हम उनको सॉल्यूट बोलते हैं। हाँ, तो एक इन सब को, इन सब के लिए एक कंबाइंड वर्ड अपन यूज करते हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट परसेंटेज इज हाई और हाइपर ज्यादा। सॉल्यूट का परसेंटेज, सॉल्यूट मतलब जो डिजॉल्व हुआ है पानी में, अगर बीकर में आपने ऐसा वाटर डाला है जिसमें सॉल्यूट की परसेंटेज हाई है तो सॉल्वेंट तो वाटर है, वाटर परसेंट इज लेस, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, एक्सोस्मोसिस होता है। हाँ, एक्सोस्मोसिस होता है और सेल टर्जिड हो जाती है, यानी सेल जो है वो स्वेल हो जाती है, हाँ, उसका साइज बड़ा हो जाता है। सिमिलरली अगर आपने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसमें आपने सेल को डाला है और वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज मोर एज कंपेयर टू
सॉरी मैंने यहाँ पे एक्जोस्मोसिस लिखा है लेकिन यहाँ पे टर्जिड लिख दिया। हाँ जब ये नॉट टर्जिड, हाँ एक्जोस्मोसिस मतलब वाटर निकल जाएगा, तो ये श्रिंक हो जाएगी, स्वेलनिंग श्रिंक हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। हाँ दोबारा से बात कर लें, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिनमें मिनरल्स या सॉल्ट या शुगर या सॉल्यूट का परसेंटेज हायर होता है। हाँ हायर को हम हाइपर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कहलाया। और इसमें जब हमने सेल को रखा तो सेल का एक्जोस्मोसिस हो जाता है। इसमें वाटर का परसेंटेज इस सॉल्यूशन में यानी बीकर में लेस होता है और सेल के अंदर वाटर का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इस वजह से एक्जोस्मोसिस होता है और सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी फ्लैसिड हो जाती है। और दूसरी बात जो हम कर रहे थे दैट इज़ ऐसा सॉल्यूशन जहाँ वाटर बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, हाँ उसको हम बोलते हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूट का परसेंटेज है, सॉल्यूट यानी शुगर या सॉल्ट या मिनरल, उसका परसेंटेज जो है वो लो है, यानी हाइपो यानी कम है, तो वहाँ पर क्या होगा, लो मतलब इस अगर सॉल्यूट परसेंटेज लो होगा तो वाटर परसेंटेज क्या होगा, वाटर परसेंटेज वुड बी हाई। तो हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में वाटर परसेंट हाई होगा, ये बात कभी नहीं भूलना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में वाटर परसेंटेज जो है वो लेस होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे देखो जब वाटर परसेंटेज ज़्यादा है बाहर तो सेल में वाटर एंटर करेगा, यानी इसमें क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, और एंडोस्मोसिस होगा तो सेल क्या हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी, मतलब सेल टर्जिड हो जाएगी। याद रहेगी ये बातें, हाँ जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो। हमने बात की है ऑस्मोसिस के बारे में, हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे, ऑस्मोसिस की बात इसलिए आ गई कि हम कह रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो एक तो टू प्रोवाइड द सेल अ डेफिनेट शेप, और दूसरा उसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सरफेस, तो मतलब इनसाइड आउट सेल मटेरियल का लेना देना जो है वो इसके थ्रू होता है, तो सेमी परमिएबल होती है ये, और क्योंकि ये सेमी परमिएबल है इसमें से वाटर मूव करता है, तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये एंडोस्मोसिस भी हो सकता है और एक्जोस्मोसिस भी हो सकता है, एंडोस्मोसिस जब वाटर अंदर आए सेल के, एक्जोस्मोसिस जब वो बाहर निकले सेल के। जिन सॉल्यूशंस में ये होता है दे आर रिस्पेक्टिवली हाइपरटॉनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। एक थर्ड कंडीशन ये भी हो सकती है कि वाटर का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल बराबर हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटॉनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, हाँ वाटर कंसंट्रेशन जो रहेगा वो बराबर रहेगा, इक्वल इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन इक्वल हो तो आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसोटॉनिक। हाइपरटॉनिक में वाटर कम, हाइपोटॉनिक में वाटर आउटसाइड द सेल ज़्यादा, आउटसाइड द सेल की बात कर रहे हैं, आइसोटॉनिक में बराबर बराबर होगा तो देयर विल बी नो ऑस्मोसिस। हाँ आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में नो ऑस्मोसिस, हाँ नो ऑस्मोसिस का मतलब ये नहीं है कि नो मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर का मूवमेंट होता है, याद रखें
नो ऑस्मोसिस इनसाइड आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वाटर का आना जाना नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितना वाटर इन अ यूनिट टाइम, एक सेकंड में जितना वाटर इधर से इधर जा रहा है उतना ही वाटर इधर से इधर भी आ रहा है। हाँ, तो एक्सचेंज ऑफ वाटर टू वेज वो एक बराबर रेट से हो रहा है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। क्लियर है ये बात? हाँ, तो आज हमने बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है। ये आपका एक 3 मार्क का कम से कम क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट आर इट्स टाइप्स, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस, ये सब बातें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या, ये सब बातें इसमें सीखी जाती हैं। तो आई होप वेरी इजी, आपको समझ में तो बहुत आसानी से आ रहा होगा। आपको ये बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि बातें समझ में नहीं आ रही आपको, लेकिन इन्हें याद रखना है। इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप बातें भूलें ना, उसके लिए एनसीईआरटी हमको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है आपकी बुक में। जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो ये सारी बातें आती हैं। तो आप यहाँ से पढ़ने शुरू करें, ये है आपका पेज नंबर 59, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक यहाँ पे आपको दिखाई देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। इस पूरी बात को ठीक से देखो कि क्या लिखा हुआ है। आपको यहाँ सब बातें दिखेंगी, ऑस्मोसिस की भी आएंगी, हैं यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, वाटर कैसे आ रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको अगर ठीक से पढ़ोगे हाँ तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। कल हम इन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5.3, 5.4, ये जितनी भी एक्टिविटी करके लिखा हुआ है इनको आप पढ़ लो। ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।